हेलो भाई। ओ भाई, मैं जैनिश डागर। ये खड़ी है अपनी ओला के S1 EV। तो भाई, इसका कुछ टाइम पहले आपने वीडियो देखी होगी, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मीन्स गिर गई थी ये मेरी बहन वगैरह से, ठीक है। तो उससे लग गई थी इसमें, साइड में स्क्रैच आ गई थी, थोड़ा पेंट उतर गया था साइड में से, और एक दो जगह लग गई थी, हैंडल वगैरह पे लग गई थी। मेरी बहन से गिर गई थी ये, स्टैंड नहीं लगा था शायद से, तो वो यूँ सीधी गिर गई थी। तो दो तीन जगह डैमेज आया था, एक तो इसके हैंड ये ब्रेक पे आ गया था, एक साइड वाले उस पर, और सबसे ज़्यादा तो ये साइड में इंडिकेटर के यहाँ पर आया था, जो पेंट उतर गया था पूरा, और वो अलग से दिख रहा था ब्लैक कलर का। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई इसका सोल्यूशन करूँगा, इसको ठीक करूँगा घर पर ही। तो भाई मैंने आज ये बिल्कुल ठीक कर दिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो मैंने अभी हटाया नहीं है, ये तो देखो लगा हुआ है, ये तो मैंने अभी कोई इस पर मेजर काम करा नहीं है, ये तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन था इशू इसका यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसका पूरा पेंट उतर गया था, पूरी स्क्रैच आ गई थी बहुत गंदी वाली, आपने देखी होगी वीडियो। नहीं, मेरे इसी चैनल पे नीचे जाके देख लेना कि ये गिर गई वो वाली वीडियो है एक पूरी, उसमें जहाँ जहाँ डैमेज हुआ था सारा दिखाया मैंने। तो ये देखो भाई, मैंने ये फिक्स कर दिया है, मेरे भाई ने ठीक कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। हमने दिमाग लगाया इसको भाई, हमने इसमें पेंट लगा दिया है हल्का हल्का सा, ठीक है। एग्जैक्ट इतना बढ़िया लगाया है, देखो मेरे भाई ने ठीक करी है, ये देखो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। आप सामने से देखो, कोई भी कहीं पे भी आपको 1% भी पता नहीं चल रहा है। अगर आप बिल्कुल पास से देखोगे तो भाई फिर तो पता लगेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा डैमेज है, लेकिन ये देखो दूर से विजिबल नहीं है। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा डैमेज एक इस पे यहाँ पर भी हुआ था, मैं दिखाता हूँ, ये देखो नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे, इधर पे भी लगा दिया भाई पेंट। तो इस हिसाब से पेंट में इस कर मैच करके लगाया कि इसी टाइप का था वो, ठीक है, उसी हिसाब से लगाया ये देखो, ये साइड में भी लगा हुआ था, यहाँ दिख रहा है आपको, और ये देख लो। तो ये दो जगह से डैमेज हुआ था, और एक ये यहाँ से हुआ था डैमेज, एक ये हुआ था। तो ये वाला तो मैंने अभी हटाया नहीं, ये शायद से ये इस पर ब्लैक पेंट मारना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। और एक ये यहाँ से हुई थी, इस पे पेट्रोल मार के ये स्क्रैच हटेगी इसकी तो ठीक होगा। लेकिन भाई ये नीचे वाला और ये साइड वाला, ये दोनों ओके हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप दूर से देख लो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, थोड़ा रफनेस रफनेस सा दिख रही है, और कोई इशू नहीं है इसमें, दिख रहा है आपको। तो भाई ये छोटी मोटी चीज़ ना आप हटा सकते हो, ये मैंने और मेरे भाई ने दिमाग लगाया, ये हमने वाइटनर से हटाया, जो वाइटनर होता है ना स्कूल में बच्चों की, उनसे तो उसका कलर और इसका वाइट कलर बिल्कुल मैच करता है। इसका वो नॉर्मल वाइट नहीं है जो गाड़ियों में आता है जैसे खड़ी है, थोड़ा क्रीम सा वाइट है। तो ये इस पे हमने वाइटनर वगैरह का थोड़ा मिक्सचर करके उसको लगाया है, और ये कैसे लगाया है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को भाई पूछना हो तो कमेंट्स कर देना, उस पर भी बना दूंगा वीडियो। इसको भाई काफ़ी थोड़ा सा घिस विस के थोड़ा अच्छे से लगाया है, और गीला करके लगाओगे तो हट जाएगा। इसको थोड़ी देर सूखने देना है, काफ़ी टाइम तक इसको पूरी को साफ सर्विस करके फिर लगाया था। तो देखो आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुआ, और ब्लैक थी ना उस दिन, नोटिस हो रहा था फुल के, साफ साफ दिख रहा था भाई ये तो साइड से लग चुकी है, गिर गई है, क्या हुआ है। अब आप दूर से देख रहे हो, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पता नहीं चल रहा वीडियो में, वीडियो में आप साफ मेरे को तो दिख नहीं रहा है, आप देख लो कहीं से भी आपको थोड़ा बहुत भी किसी एंगल से दिख रहा हो, नहीं दिख रहा ना भाई, साइड से भी देख लो यहाँ पे है वो पॉइंट। ये वाला तो पेट्रोल से हटाऊंगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो ज़्यादा दिख रहा था ना उसको ठीक कर दिया है। ये वाइटनर लिया था जो स्टेशनरी पे मिलता है ना, उस वाइटनर का थोड़ा भाई ने मिक्सर वगैरह करके उसको लगाया बड़े आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ज़्यादा लगा दोगे तो वो हट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा लगाया, फिर सूखने दिया, फिर सूखने दिया, तो फिर वो बिल्कुल ओके हो गया है बिल्कुल। मेरी तरफ़ से तो बिल्कुल, मेरे को तो कुछ इसमें कुछ दिख नहीं रहा, आप देखना वीडियो में अगर आपको दूर से कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। और भाई सेफ्टी से चलाया करो इनको, लड़की वगैरह जिनको जो एक्सपर्ट नहीं है वो उनको एकदम से मत दिया करो, उनको थोड़ा
इन पे हाथ जमवाओ फिर देना, क्योंकि ये भाई एक्टिवा से ना इसके एंगल अलग है, ये थोड़ा बाहर की साइड चलता है एंगल, तो इस पे टच होने की सबसे ज़्यादा इशू है। और इनको एसेसरी जब तक लगी नहीं है तब तक इस पे टच हो सकता है। ठीक है, चलो ओके गाइस, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, कोई भी हो। और भाई आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, इसका माइक मैंने ऑर्डर कर रखा है, ये एक या दो दिन में आने वाला है, फिर आवाज़ का इशू भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आवाज़ फुल आए करेगी। चलो ओके गाइस, थैंक यू।